नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चला ट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं ट्रैक्सन वेबफॉर्म के ऊपर ट्यूटोरियल लाया हूं। दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत दिनों से मैं ट्रैक्सन वेबफॉर्म के ऊपर ट्यूटोरियल नहीं ला रहा था क्योंकि ट्रैक्सन वेबफॉर्म में से थोड़ा डिटैच था क्योंकि रीपर और FL स्टूडियो है उसी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था। दोस्तों दोनों ही सॉफ्टवेयर मैंने खरीद लिया हूँ, उसको उसका लाइसेंस परचेस कर लिया हूँ, लेकिन ट्रैक्सन वेबफॉर्म के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे दोस्तों कि आप ट्रैक्सन वेबफॉर्म के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल लाओ, तो इसीलिए ट्रैक्सन के ऊपर फिर से मैंने शुरू किया हूँ। और सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि लाइसेंसिंग के ऊपर कि उसका सॉफ्टवेयर रजिस्टर नहीं हो रहा था, चलिए आज उसी के बारे में आज हम दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम जाएंगे लैबकेयर में और यहाँ पर जाके मैं ट्रैक्सन वेबफॉर्म को ओपन कर लूँगा। ये ट्रैक्सन वेबफॉर्म मेरा ओपन है। ट्रैक्सन वेबफॉर्म का 13 वर्जन आ गया है दोस्तों, 13 फ्री वाला वर्जन। आप सभी को पता है कि ट्रैक्सन वेबफॉर्म एक फ्री डॉ है, फुल फीचर डॉ है दोस्तों। इसमें VST2, VST3, सारे VST का सपोर्ट इसके अंदर है। अनलिमिटेड ट्रैक इसके अंदर आप ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा मतलब डॉ है ये। लाइट वेट नहीं कहूँगा लेकिन ये अगर आपके पास अच्छा भारी भरकम मशीन है तो आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये मेरा स्क्रीन खुल गया है दोस्तों और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं लाइसेंसिंग के ऊपर बात करूँगा। तो देखिए सेटिंग्स में अगर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर लाइसेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइसेंसिंग है। जैसे मैं लाइसेंसिंग में जाऊँगा यहाँ पर देखिए सारे दोस्तों रेड कलर में दिखा रहा है, सिर्फ एक कोक छोड़ के। ये वेबफॉर्म फ्री ये वाला फीचर्ड मेरा अनलॉक्ड है, बाकी सब प्रो वर्जन है। मतलब आपको खरीदना पड़ेगा प्रो वर्जन, तब जाके ये जो लॉक्ड है ये लॉक्ड अनलॉक्ड हो जाएगा। लेकिन वेबफॉर्म फ्री ये तो फ्री है, इसके लिए आपको मतलब कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये अनलॉक्ड दिखा रहा है। लेकिन ये अनलॉक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मुझे मैं इसके इस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर किया हूँ और आप लोग शायद रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको ये मतलब लाइसेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए मैं वेलकम स्क्रीन में आ जाऊंगा और वेलकम स्क्रीन में आ जाने के बाद यहां पर देखिए लास्ट में नीचे 1, 2, 3, 4, 5 टैब दिया गया है और इस टैब में लास्ट वाला जो टैब है ये टैब है दोस्तों अबाउट। अबाउट सेक्शन में हम जाएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये देखिए ये वेबफॉर्म जो रजिस्टर है दोस्तों, ये कौन कहाँ पर रजिस्टर है आप देख सकते हैं, dwp.faraka@gmail.com। मतलब ये मेरा ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी में ये रजिस्टर्ड है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करना होगा दोस्तों, यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए ये देखिए नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है, बाय ए लाइसेंस यहाँ पर एक ये वाला और अनलॉक्ड। ये मेरा अनलॉक है दोस्तों अभी, तो इसीलिए अनलॉक दिखा रहा है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले बाय अगर आप खरीदना चाहते हैं इसको, मतलब पैसा देके प्रो वर्जन खरीदना चाहते हैं तो बाय ए लाइसेंस में क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट एक पेज में घुसेगा। अगर अनलॉक करना चाहता है, मतलब ये अगर लॉक रहेगा, मेरा अनलॉक है इसलिए अनलॉक दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये मतलब मार्केट प्लेस में ये हो जाएगा, ये देखिए ऑल लाइसेंसेस अप टू डेट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आप मतलब लाइसेंस करवाना, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ओके करेंगे, अबाउट में जाएंगे और बाय लाइसेंस में जैसे हम जाएंगे ये एक पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा, वही पेज खुल जाएगा आपका ब्राउज़र से, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो सेट रहेगा उसमें से खुल जाएगा। ये देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर यहाँ से इसको आपको यहाँ से इसको लॉगिन करना है। देखिए ये मेरा अकाउंट लॉगिन है, यहाँ पर आपको लॉगिन दिखाएगा दोस्तों, मतलब मेरा तो अभी तक लॉगिन है। ये देखिए माय अकाउंट में जाएंगे, आपका जो ईमेल एड्रेस है दोस्तों उस ईमेल एड्रेस से यहाँ पर इसको ईमेल एड्रेस और आईडी देके, मतलब जब आप मतलब ट्रैक्सन जो साइट है इस ट्रैक्सन साइट के ऊपर जब पहले से रजिस्टर करेंगे आप इसको साइन अप करेंगे, तब जाके जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप सेट करेंगे वही जन्म पासवर्ड देके यहाँ पर लॉगिन करने से ही वो वाला ट्रैक्सन का वेबफॉर्म जो सॉफ्टवेयर है डॉ है वो अनलॉक्ड हो जाता है फ्री वाला। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये मेरा मतलब पेज है आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर वो दिखा रहा है कि अनलॉक्ड। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि मुझे मतलब उन आप लोगों को वो रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, अनलॉक्ड नहीं हो रहा पा रहा था। तो बहुत जल्द मतलब इंडिया में भी ट्रैक्सन 13 आपको मिल जाएगा, ट्रैक्सन 13
ट्रैक्शन 12 से अपग्रेडेड वर्जन है दोस्तों, मैं चाहूँगा आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आप मार्केट प्लेस में भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो ट्रैक्शन वेब फॉर मार्केट प्लेस है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर कोई क्वेरीज़ आपके पास हो, अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका हल ढूंढने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।